फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम गेम खेलेंगे और वो है बोला कुछ और निकला कुछ। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी लाइन है, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि जो हमारा जो सेंटेंस है वो वहां पर जाकर एंड होएगा। सो हम इतनी बड़ी लाइन और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मैं इसको कुछ सेंटेंस है वो मैं बोलूँगी, ठीक है। सो सेंटेंस ये है, काले की बहू की तीसरी बेटी अपने गांव गई। गांव में जाकर तालाब से एक घड़ा पानी का लाई और वो पानी का घड़ा टूट गया। ये सेंटेंस अपने आगे वाले को बोलो। काले की बहू गांव गई और गांव में कुएं से पानी भरा। काले की बहू गांव गई, गांव से पानी भर के लाई, मटका फूट गया। काले की बहू गांव गई, गांव में कुएं से पानी भर के लाई, मटका फूट गया। काले की गाय काले की बहू गांव गई, गांव में मटका फूट गया। काले की बहू गांव गई, काले की बहू गांव गई, गांव गांव के कुएं से पानी भरा, मटका फूट गया। काले की बहू गांव गई, गांव में से पानी कुएं में से पानी भरा, मटका फूट गया। सो हमारा यहाँ पर एंड हो चुका है। इतनी बड़ी लाइन से जाकर अब यहाँ पर इसके पास आंसर आए, देखते हैं ये क्या देती है। बोलो। काले की बहू गांव गई, गांव से पानी का मटका भरा, फूट गया। भाई साहब इन्होंने क्या मतलब कुछ भी मतलब कि बात क्या थी और यहाँ पर आके क्या हो रही है। मैंने उसको वहाँ पर क्या बोला था और इसका एंड हमें ये देखने को मिल रहा है। भाई साहब मुझे हंसी इतनी भयंकर आ रही है। अब मैं तुम सबको आंसर बताती हूँ। तो इसका आंसर ये था, काले की बहू की बेटी, मतलब कि जो हमारा जो शब्द था वो ये था कि काली की बहू के तीन बेटियाँ थी, जिसमें से वो बेटी पहली बेटी अपने गांव गई थी, गांव के तालाब में से पानी भरा और एक घड़ा टूट गया। सो ये शब्द था। हमारा आंसर था। सो अब हम राउंड दो तीन करने वाले हैं, जिसमें से हम स्टार्ट करते हैं दूसरा राउंड, देखते हैं कि उसका भी हमें जवाब क्या मिलने वाला है, ठीक है अभी। सो जो हमारा जो दूसरा राउंड है उसमें, वैसे तो मैंने जो भी फर्स्ट राउंड था उसमें मजा आया, मजा आया। सो जो हमारा सेकंड राउंड वो स्टार्ट करने वाले हैं। अब सेकंड राउंड में तुम्हें से बोल रहा हूँ, मैं खाना खाने बैठा जैसे ही बैठा तो रोटी के अंदर बाल आ गया, क्या पता वो किसका था। मैं खाना खाने बैठा तो रोटी में एक बाल आ गया, वो बाल पता नहीं किसका था। मैं रोटी खाने बैठी तो रोटी में एक बाल आ गया था, वो बाल पता नहीं किसका था। मैं खाना खाने बैठा तो रोटी में एक बाल आ गया, वो बाल पता नहीं किसका था। वो खाने खाने बैठी, उसको पाद आ गया। अलग ही बोल रही है। वो खाना खाने बैठी, उसको पाद आ गया। वो खाना खाने बैठी, उसको पाद आ गया। वो खाना खाने बैठी, उसको पाद आ गया। क्या क्या शब्द आया आखिर में? वो खाना खाने बैठी, उसको पाद आ गया। मतलब क्या ही जवाब था। मतलब कि मैंने कुछ अलग बोला एंड तक, तो वहाँ तक तो ठीक था जहाँ तक अभी ने बोला ना, उसके बाद मतलब क्या बोले कुछ भी। और वही सब इन्होंने बाकी उन्हें बता दिया। सो जो मेरा शब्द वो ये नहीं था, रोटी खाने बैठी, उसको पाद आ गया। जब
मेरा जो सवाल था वो ये था कि मैं खाना खाने बैठा, मेरी रोटी में बाल आ गया, क्या पता वो किसका था। ये सब देता है इसलिए कुछ भी बोल रहे हो क्या था? क्या वो खाना खाने बैठी उसको पाद आ गया था। मैंने क्या बोलते, क्या ही बोल दिया। स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा राउंड, जो हमारे दो राउंड थे उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। जो हम लास्ट तीन ही राउंड करेंगे, सो जो आपका जो वीडियो है उसमें जो तुम्हारा जो मतलब अभी तुम्हें क्या बोलना है सेंटेंस, तो जो आपका जो वो तुम्हारे सेंटेंस है वो ये कि मैं सो रही थी, वो सो रहा था, वे भी सो रहे थे, हम सब सो रहे थे, पता नहीं कौन कौन सो रहा था। वे सो रहे थे, हम सो रहे थे, वो सो रहे थे, पता नहीं कौन कौन सो रहा था। ये सो रहे थे, वो सो रहे थे, वो सो रहे थे, ये सो रहे थे, हम सो रहे थे, सब सो रहे थे। हाँ, ये सो रहे थे, ये सो रहे थे, हम सब सो रहे थे, पता नहीं कौन कौन सो रहे थे। वो नीचे सो रहे थे, एक ऊपर सो रहा था, एक नीचे सो रहे थे, एक नीचे सो रहे थे। वो ऊपर सोए, एक नीचे सोया, वो ऊपर सोए, नीचे सोया। वो ऊपर सोए, ये नीचे सोए, एक नीचे सोया, वो ऊपर सोए। क्या हुआ, नेक्स्ट का बताओ। वो ऊपर सोए और एक नीचे सोया, हर आदि का। अगर आप चाहो तो मन्नू को बता दो। जो ऊपर सोए वो नीचे सोया, जो ऊपर सोए जो ऊपर सो गया। मन्नू क्या बोला दीदी ने? बेटे, बेटे। सो गया। मतलब कि सेंटेंस मतलब क्या है, मतलब कुछ भी, मतलब मजा आता है इस गेम में। जो मैंने क्या बोला था वो तो मुझे यहाँ तक तो बिल्कुल भी नहीं दिखा। तीन राउंड हो चुके, तीनों में मेरे को पूरा जो सवाल था वो जो मैंने जो